आज हम राजपूतों की ऐसी शौर्य गाथा का व्याख्यान करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका कठोर हृदय भी आंसुओं से पिघल जाएगा। किस प्रकार एक स्त्री ने अपने पति के प्रेम के वशीभूत होकर अपने शरीर को उसके साथ ही सतीत्व की अग्नि में भस्म कर दिया और किस प्रकार उन्होंने स्वयं अकेले ही अकबर का सामना किया और उसे इस प्रकार शब्द सुनाए कि अकबर भी लज्जित हो गया। कहते हैं जाते जाते अकबर को भी उस स्त्री के सामने नमन करना पड़ा। इतना महान चरित्र था भारतवर्ष की दिव्य नारी माँ लाजवंती का। वर्णन करते हैं उस माँ लाजवंती के परम पावन चरित्र का। युद्ध समाप्त हो चुका था, एक एक करके सभी राजपूत कट मरे थे, परंतु किसी ने दीनता युक्त पराधीनता स्वीकार नहीं की। दूसरी ओर किले में धुएं का पहाड़ उठ रहा था। एक तड़ाके शब्द के साथ आग भड़क उठी और आसमान से बातें करने लगी। राजपूत ललनाओं ने पवित्र जोहर व्रत पूर्ण किया। अकबर के हाथ कुछ भी नहीं आया, अगर कुछ आया तो वह था जला हुआ शहर, टूटे हुए मकान, जली हुई हड्डियां, मांस के लथोड़ों की ढेरी। यह देखकर क्रूर अकबर की आंखें आंसुओं से भर आई। वह कहने लगा, ओहो, राज्य बढ़ाने की उमंग में कितनी हत्याएं होती हैं। अकबर अपनी क्रूरता पर पछता रहा था। इतने में कुछ मुसलमान सिपाही एक शस्त्रधारी तेजस्वी तरुण को अकबर के सामने लेकर आए। उसकी मुश्कें कसी हुई थी, चेहरे पर बाकेपन के निशान थे, बड़ा ही अल्लड़ जवान दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें रक्त के समान लाल हो रही थी, इतना होने पर भी मुखाकृति में कोमलता झलक रही थी। अकबर ने कहा, तू कौन है और ऐसी कठिन परिस्थिति में यहाँ क्यों आया है? उस युवक ने जवाब दिया, मैं पुरुष नहीं हूँ, स्त्री हूँ, अपने स्वामी के शव की खोज में यहाँ आई हूँ। अकबर ने पूछा, तेरा नाम क्या है? वह स्त्री बताने लगी, मेरा नाम लाजवंती है, तू कहाँ रहती है? उस स्त्री ने कहा, मैं डूंगरपुर रहती हूँ। अकबर कहने लगा, चित्तौड़ और डूंगरपुर के बीच तो बहुत फासला है, फिर यहाँ क्यों आई है? वह स्त्री कहने लगी, फासला बहुत है, मैंने सुना कि चित्तौड़ में जौहर होने वाला है। राजपूत वीर और वीरांगनाएं दोनों धर्म की वेदी पर बलिदान होने को तैयारी कर रहे हैं। इस शुभ समाचार को सुनकर मेरा स्वामी तो पहले ही यहाँ चला आया था, मुझे पीछे पता चला। मेरी तीव्र इच्छा थी कि भाग्यवती राजपूतनियों के समान मुझे भी सतीत्व की चिता पर जलने का सौभाग्य प्राप्त हो, किंतु मेरे आने से पहले ही यहाँ सब कुछ समाप्त हो चुका था। अतः मैं अब अपने स्वामी के शव को खोजने के लिए रणभूमि में चली आई हूँ और यहाँ आने पर तेरे क्रूर सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया है। अकबर विस्मय युक्त हो मन में कहने लगा, ओहो, मुझे सब जहाँपना खुदा बंद कहते हैं, पर यह लड़की कितनी निडर है जो कहती है तेरे क्रूर सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया है। सचमुच राजपूत रमणी बड़ी निडर होती है, शाबाश। अकबर पूछने लगा, तूने कैसे समझ लिया कि तेरा स्वामी युद्ध में काम आ गया है? हो सकता है वह युद्ध से भाग गया हो। तब वह स्त्री हंसते हुए कहने लगी, अकबर, तू राजपूतों के धर्म को नहीं जानता है, राजपूत रणभूमि से कभी भागते नहीं है, यह तेरी भूल है। मैं जानती हूँ मेरा स्वामी धर्म से कभी नहीं हट सकता है। अकबर पूछने लगा, क्या तेरी उसके साथ शादी हुई है? वह स्त्री कहने लगी, शादी नहीं, अभी तो सिर्फ सगाई हुई है, विवाह होने ही वाला था कि तूने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। अकबर ने विशेष विस्मय युक्त होकर कहा, नेक बख्त, जब शादी नहीं हुई तो वह तेरा पति कैसे हो गया? तू घर लौट जा, किसी और के साथ तेरी शादी हो जाएगी। अकबर की यह बातें सुनकर उस स्त्री को क्रोध आ गया।
वह क्रोध से आंखें लाल करके बोली, अकबर, क्या तुझे ईश्वर ने इसलिए सामर्थ्य दी है कि तू किसी सती स्त्री के साथ इस प्रकार अपमानजनक शब्द बोल सके? उसकी यह बातें सुनकर अकबर थोड़ा डर गया। उसने कहा, नहीं बेटी, मैं तेरी बेइज्जती करना नहीं चाहता। इतनी लाशों में तेरे मंगेतर की लाश मिलना बहुत मुश्किल है। अगर तुझ में हिम्मत है तो ढूंढ ले, तेरे जी में जो आए तू वैसे कर। अकबर की आज्ञा पाकर लाजवंती अपने पति का शव ढूंढने के लिए युद्ध प्रांगण में आ गई। ढूंढते ढूंढते उसे अपने पति का शव मिला। ढेरे में लकड़ियां लाकर एकत्रित की और शव को उसके ऊपर लिटा दिया। उसने 5 बार परिक्रमा की और परिक्रमा करने के बाद उसने चकमक के पत्थर से आग जलाई। जब आग जलने लगी तब देवी के समान स्वामी को गोद में बिठा लिया और चुपचाप शांत भाव से सबके देखते देखते जलकर भस्म हो गई। और अब तो मुस्लिम सिपाही भी आश्चर्यचकित हो अपनी भाषा में अनेक प्रकार के गीत गाकर राजपूत सती के सहज पति प्रेम की प्रशंसा करने लगे। तो देखिए किस प्रकार माँ लाजवंती ने अपने पति के साथ अपने शरीर को भस्म किया। यह होती है एक राजपूत क्षत्राणी की निशानी, जो अपने पति के साथ ही अपने शरीर को समाप्त कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करती है। पति से प्रेम का नाता निभाना नार को चाहिए। गुनी जन ग्रंथ सब गाते निभाना नार को चाहिए। गई सीता गहन बन में धरे जो भेष मुनियों का। तजे त्यों भोग दुनिया का निभाना नार को चाहिए। पति ब्रह्मा पति विष्णु पति है रूप शंकर का। समझते हैं रूप ईश्वर का निभाना नार को चाहिए। पति पिंगला अंधा भावे विकारी मूक हो रोगी। समझ तो भी परम योगी निभाना नार को चाहिए। कहे टेऊं कपट त्यागे पति व्रत धर्म में रह कर। सर्व दुख द्वंद को सह कर निभाना नार को चाहिए। पति से प्रेम का नाता निभाना नार को चाहिए। गुनी जन ग्रंथ सब गाते निभाना नार को चाहिए। पति से प्रेम का नाता निभाना नार को चाहिए। निभाना नार को चाहिए।